केवल एक ही आग्रह करूंगा, कितनी बड़ी विभीषिका से हम लोग गुजर रहे हैं कोरोना, और पिछले दो महीने से हम ऑक्सीजन 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 जो ऑक्सीजन की लड़ाई हमने लड़ा है, ये कहीं ना कहीं इस संघर्ष की स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि पर्यावरण में जो विषमताएँ आ रही हैं, जो इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, उसको बनाए रखना है। अगर अगली पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं तो इससे बड़ा योगदान हमारा नहीं होगा कि हम पर्यावरण को सुरक्षित दें, उनको हम पेड़ पौधे लगा करके ये जो तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उसको बचाए। शुद्ध वायु होगी तो आपका शरीर शुद्ध होगा। आज बात की जाती है इम्यूनिटी की, मतलब शरीर की जो स्वाभाविक लड़ने की क्षमता है रोगों से, वो मजबूत करने की बात की जाती है। वो मजबूत कैसे होगी? जब शरीर स्वस्थ होगा, उसको स्वस्थ शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। वो कैसे मिल सकती है? किसी पर्यावरण से उसको संरक्षित करके। हर सुबह से उठने से लेकर शाम तक यदि हम ये प्रण कर लें कि हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, और इस प्रण को हम दो लोगों को और करना सिखा दें, तो निश्चित रूप से इस पर्यावरण को हमको और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये शुद्ध हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। मैं इसी कामना के साथ, इसी अनुरोध के साथ आप लोगों से कहूँगा कि मन में इस चीज़ को बैठा लें। केवल अगर हम बात करेंगे तो बात नहीं, इसको आत्मसात करेंगे और मूर्त रूप देंगे तब जाके बात बनेगी। और यह आप समय बात करने का नहीं है, समय जो है धरातल पे बात। यदि मनोज जी ने यहाँ पे इस गर्मी में आप लोगों को जोड़ा है तो निश्चित रूप से एक शुभ संकेत यह मिल रहा है कि लोग जो है चिंतित हैं, और वो चिंता आपकी औरों तक पहुँचे। जितना इसका प्रसार कर लिया इसका हमको प्रतिफल मिलेगा। कोई भी चीज़ जब हम संकल्प लेते हैं तो हमारे साथ बहुत छोटी संख्या खड़ी होती है, लेकिन उस संकल्प को अगर हम छोड़ देंगे ये तो विफल हो जाएंगे। उसको बनाए रखेंगे अगर और लोगों को जोड़ते रहेंगे बिना किसी द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या बिना किसी इच्छा भाव से जुड़ गया आदमी, बहुत अच्छी बात है। नहीं जुड़ा कोई बात नहीं, हम प्रयास करेंगे। ये नहीं कि नहीं जुड़ा तो हमने अपने मन में ये कुंठा पाल ली।